Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform. And today's particular class, we are going to discuss some words that often confuse us. Okay, हम लोगों ने सारे verb के lecture को उसके type को you know modal auxiliary सारे linking dynamic मतलब all types of verb को हम लोगों ने cover कर लिया है ना. तो आप basically अगर जानते हो कि कोई भी base form अगर verb का लिया जाएगा तो उसका verb का first form, second form, third form, ing form और es form बनाने की आप कोशिश करते हो. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत सारे वर्ब जानते हैं, ठीक है ना. अब देखो वर्ब का लिस्ट बनाना चाहे तब तो हजारों हो जाता है ना. तो आप उसका V2 V3 बहुत को जानते ही होंगे. लेकिन अगर बात करें ना तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना. देखने में बिल्कुल सेम लगता है बट उसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होता, ठीक है. तो आज हम उन्हीं सारे वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं जो देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है. तो हेडिंग में ही आपका लिखा हुआ है क्या, वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज अस, या इसे कंफ्यूजिंग वर्ब्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है. तो सबसे फर्स्ट वर्ड आप देखोगे, देखो कैसे कंफ्यूज करता है. जो फर्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है बियर और एक और होता है बियर, दो बियर होता, ठीक है. अब एक बियर का मतलब क्या होगा, टू गिव बर्थ. हिंदी भी थोड़ा सा बोलेंगे आप, हिंदी सिर्फ समझोगे, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. बियर की बात करें तो टू गिव बर्थ मतलब क्या, जन्म देना, यू नो जन्म. जैसे आप अगर एक बियर का मतलब क्या हुआ, टॉलरेट करना. अगर इसका सेकेंड फॉर्म बनाया जाए तो देखोगे बियर बोर बॉर्न, क्या हुआ बाबू, बियर बोर बॉर्न और एक हुआ क्या, बियर बोर बॉर्न. देख रहे हो एक में ई लग रहा है, ठीक है, और एक में ई नहीं है. हमारे वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तैयार हुआ दोनों. तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं, कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों से में थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो रहा है. तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ठीक है. एक का मतलब होता है टॉलरेट करना किसी चीज को. एक बियर जिसका थर्ड फॉर्म ई वाला होता है उसका मतलब क्या होता है, किसी चीजों को क्या, बर्दाश्त करने के सेंस में, ठीक है, बर्दाश्त करना. और एक क्या मतलब, जन्म के सेंस में होता है, बर्थ के सेंस में, ठीक है. जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही वाज, तो आप जानगे कि वाज की बात करें तो वाज के बाद आप थर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है. तो थर्ड फॉर्म कौन सा लिखा जाएगा बताओ आप ही लोग. ही वाज डैश इन बॉर्न इन 1996, ये वाला बॉर्न या ये वाला बॉर्न, क्या कौन सा बॉर्न लिखा जाएगा, ठीक है. तो आप लोग खुद बोल रहे हो कि ऊपर वाला बॉर्न, ठीक है, क्योंकि जन्म से ये वाला रिलेटेड है. तो क्या लिखा जाएगा, ही वाज बॉर्न इन 1996, ठीक है ना. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही कांट डैश द पेन ऑफ लूजिंग समवन. अब देख लो ये कैन नॉट यूज किया जाए तो अपने आप में मॉडल्स हुआ, हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडल्स के बाद ऑलवेज वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाएगा, ठीक है. तो आप कोई भी बियर लिखोगे लेकिन सेंस आपको समझना होगा ना, सेंस कौन सा समझ कर लिखोगे, ये वाला बियर, लेकिन दोनों का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सेम ही है तो फर्स्ट फॉर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है. कुछ भी लिखोगे तो सही होगा लेकिन आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना. ही कांट बियर द पेन ऑफ लूजिंग समवन, ठीक है ना. ऐसे अगर बोला जाएगा ना, ऐसे बोल सकते हो द पेन ऑफ लूजिंग समवन कांट बी, देख लिया आपके पास लिखा गया कांट बी. अब जैसे ही कांट बी लिख दिया गया तो इसके साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, सेंटेंस पैसिव में चला गया. तो थर्ड फॉर्म लिखने की बात आएगी तो कौन सा वर्ब चूज करोगे आप लोग, ये वाला बॉर्न या ये वाला बॉर्न, खुद ही बताओ, ठीक है. तो यहाँ पे टॉलरेट करने का सेंस आ रहा है, बर्दाश्त करने की बात आ रही है, तो ये वाला वर्ब को प्रीफर किया जाएगा. तो क्या लिखेंगे, बी ओ आर एन ई, सिर्फ ई का डिफरेंस है, एक लेटर ई का डिफरेंस होता है और मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है. यहां तक आप लोग समझ गए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है एक वर्ड सी और सॉ. अगर ये सी का देख मतलब तो देखना सबको पता है, टू परसीव बाय आई, आंखों से हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए सी वर्ड यूज किया जाता है. इसका सेकंड फॉर्म सब लोग जानते हो, सी सॉ सीन, ये तो सबको पता है. लेकिन अगर इस देखो यहाँ पे ये जो सी का सेकंड फॉर्म था ना, यहाँ पे ये जो वर्ड सी का सेकंड फॉर्म है वो ऑलरेडी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. यही वजह है कंफ्यूजन का कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है और वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है. तो उसी पे आप ध्यान देना कि कहां पे कंफ्यूजन का चांसेस आता है, ठीक है. तो इस सॉ की बात करें तो इस सॉ का मतलब होता है काटना किसी चीज को, टू कट. और ऐसे सॉ का नाउन का तरीके से यूज करें तो सॉ का मतलब होता है आरी. आरी आप लोग जानते हो ना, देख जैसे लिखा गया टू कट विथ द हेल्प ऑफ टूथेड ब्लेड. टूथेड बेसिकली ऐसे जानते हो ना कि एक आरी होता है हमारा, ऐसे इस टाइप का ब्लेड होता है,
इस टाइप का, आप जानते हो कि नहीं, थोड़ा सा टूथेड ब्लेड आप आरी जानते ही होंगे। तो उसका मतलब आरी से काटना किसी चीज को, तब उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या, सॉ। अब ये रेगुलर फॉर्म हो गया, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओगे तो क्या लिखोगे, सॉ सॉड सॉड। समझे कि नहीं आप लोग, समझे? ठीक है, ये वर्ड सबको पता है, लेकिन ये देख रहे हो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यही कंफ्यूजन का वजह है। ठीक है, तो आपके पास लिखा गया आई डैश माई फ्रेंड, तो आप अपने फ्रेंड को क्या करोगे, ठीक है, सॉ या ये वाला सॉड, सॉ या सॉड, तो आप खुद जो जान रहे हो कि देखने का काम क्या जाएगा, इस वजह से सॉ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा आई डैश द ब्रांचेज ऑफ ट्री, अब बताओ ये वाला सॉर्ट लिखेंगे या सॉ लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली काटने का बात किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या फील होगा, आई सॉर्ट द ट्री, सॉ का मतलब क्या हुआ, काट देना। ओके, तो ये दोनों कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। ठीक है, कि बियर बियर कैसे कैसे यूज होता है, सिर्फ थर्ड फॉर्म में डिफरेंस होता है, और यहाँ पे देख रहे हो क्या डिफरेंस है, ये एक रेगुलर वर्ब बन गया। ठीक है, आप लोग रेगुलर वर्ब समझ गए, जिसका वी टू एंड वी थ्री ED ऐड करके या DD ऐड करके बनाया जाता है। हम लोग सारे टाइप्स को कवर कर चुके हैं, है ना, बस थोड़ा सा एक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंग, एक वर्ड हैंग और हैंग, दोनों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हैंग ही है, लेकिन जैसे आप दोनों का सेकंड फॉर्म बनाने की बात करोगे, थर्ड फॉर्म बनाने की बात करोगे ना, तो इसका मतलब हो जाता है एक आपका रेगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, कौन सा वर्ब होता है, रेगुलर वर्ब। ठीक है, जिसका हैंग हैंग्ड हैंग्ड ऐसा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओगे, ठीक है ना, हैंग्ड हैंग्ड हैंग्ड। लेकिन अगर एक और हैंग का सेकंड फॉर्म बनाओगे तो उसका मतलब हो जाता है हैंग हंग हंग। अब दोनों के मीनिंग को समझते हैं, तो एक हैंग का मतलब हुआ रस्सी से किसी चीज को टांग देना, जिसको यू नो जब फांसी वगैरह किसी को दी जाती है तब ये वर्ड यूज किया जाता है हैंग। ठीक है, और जब ऐसे आप रूम में खूंटी से यू नो अपने शर्ट को टांगते हो या कोई भी बैग को अगर टांग दिए हो एक किल में, तो वो वर्ड किया जाएगा हैंग। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, देख रहे हो सेंस में चेंज आ रहा। तो अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल में लिखा गया कि आप पेंटिंग इज डैश ऑन द वॉल, तो आप क्या फील करोगे, वाज के बाद तो आप जानते हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इज लिखा हुआ है, सॉरी, इज के बाद भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखोगे। अब हंग या हैंग्ड, हंग या हैंग्ड, कौन से वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लेकर चलेंगे, तब जाहिर सी बात है कि जब घर में पेंटिंग टांगा हुआ है तो वो तो किल से टांगा हुआ होगा, रस्सी से थोड़ी ना टांगेंगे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हंग। ठीक है ना, अ पेंटिंग इज हंग ऑन द वॉल। लेकिन अब देखो द कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, दोषी, जिसने कोई क्राइम किया, तो क्राइम करने वाला जो ऑफेंडर होगा, जो क्रिमिनल होगा, उसे क्या रस्सी से ही तो लटकाया जाएगा ना। ठीक है, तो कौन सा वर्ड का यूज करेंगे हम लोग, ऊपर वाला हैंग्ड। कंफ्यूजन समझ में आ रहा आप लोगों को ना। ठीक है, देख रहे हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेम है, लेकिन सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप फील करने में कंफ्यूज नहीं होगे, लिखा है द कन्विक्ट, तो कन्विक्ट वाज डैश यस्टरडे, आप क्या फील करोगे, हंग या हैंग्ड। ठीक है, तो क्या लिखना था, आप लोग खुद ही बोल रहे हो, हैंग्ड, द कन्विक्ट वाज हैंग्ड। क्लियर, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये सब वर्ब। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब में आता है ये चीज, आपको लिखने का कुछ और लिख दोगे, कुछ और मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, एक है फोर नंबर में हमारा वर्ड, एक फॉल और एक वर्ड फेल। देखो इस फॉल की बात करें तो फॉल का मतलब आप गिरना, खुद से गिर गए चलते चलते, यू नो जैसे आपके पैर के नीचे बनाना पील्स आ गया तो आप क्या स्लिप करके गिर गए। ठीक है ना, तो देखोगे क्या कि इस फॉल का अगर हम सेकेंड फॉर्म बनाए तो क्या लिखा जाएगा, फॉल फेल, क्या लिखा गया, फॉल फेल, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो लिखा जाएगा फॉलन। ये चीज आपको समझ में आया, फॉल फेल फॉलन। लेकिन अगर इस फेल की बात करें ना, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, इस फॉल का जो सेकेंड फॉर्म है, इस फॉल का जो सेकेंड फॉर्म है वो ऑलरेडी एक फर्स्ट फॉर्म है, ऑलरेडी एक वर्ब है, वो इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा एक रेगुलर वर्ब, इसका लिखोगे फेल फेल्ड फेल्ड। समझ में आ रहा कि नहीं, क्या वहां पे कंफ्यूजन हो रहा जो, ठीक है ना, कंफ्यूजन को आप लोग समझोगे कि इस फॉल का सेकंड फॉर्म बनाया तो लिखा गया फेल, और ये फेल जो सेकंड फॉर्म है ना वो ऑलरेडी एक वर्ब है, वो ऑलरेडी एक बेस फॉर्म है, यही वजह होता है कंफ्यूजन का। और देख रहे हो जो सेकंड फॉर्म होता है ना, अगर उसे एक बेस फॉर्म में लाया जाता तो वो मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या बन रहा है, एक रेगुलर वर्ब बन रहा है। रेगुलर वर्ब का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए कि जिसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में क्या ऐड किया जाएगा, डीडी ऐड कर दें या ईडी ऐड कर दिया जाएगा तो वो हमारा रेगुलर वर्ब हो जाएगा। तो देख रहे हो फेल फेल्ड फेल्ड, इसका मतलब वो किसी को जानबूझकर गिरा, जैसे कोई बंदा जा रहा है और किसी ने पैर से पैर फंसाकर गिरा दे तो दैट इज फेल। ठीक है, लेकिन आप खुद से गिर जाओगे तो दैट इज फॉल। ये चीज आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। जैसे एग्जांपल आपके पास लिखा गया ही डैश फ्रॉम द ट्री, अब कोई बंदा पेड़ पे चढ़ रहा है वो गिर गया तो वो खुद ही तो गिरा ना,
तो इस फॉल का सेकेंड फॉर्म अगर यूज करोगे, इस फॉल का सेकेंड फॉर्म यूज करोगे तो क्या लिखोगे आप लोग? फेल, जैसे हम बोलेंगे कि अ डॉग फेल इनटू द बेल, क्या बोला जाएगा? अ डॉग फेल इनटू द बेल। अब जैसे एक डॉग जा रहा है, वो कुएं में गिर गया, तो कुएं में वो खुद ना गिरा, ठीक है? तो सेल्फ के लिए हम लोग कौन सा वर्ड, टू डिसेंट फ्रीली के लिए कौन सा वर्ड, फेल, फॉल, फेल फॉलन यूज करेंगे, तो सेकेंड फॉर्म क्या यूज किया जाएगा? फेल। ये चीज आप लोग समझे, फेल फ्रॉम। लेकिन यहां पर लिखा गया ही डैश हिज फ्रेंड डेलीवरेटली, ठीक है ना, हिम डेलीवरेटली। अब जानबूझकर कोई गिरा दे तो कौन सा वर्ब का यूज किया जाएगा? इस फेल का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इस फेल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फेल्ड। आप लोग समझे कि नहीं? देख रहे हो कंफ्यूजन का चांस, ठीक है? तो ये चार कंफ्यूजिंग वर्ब को हम लोग डिस्कस किया, अप्रॉक्स 10-12 है इस टाइप के, ठीक है? तो आप पहला समझे कि बियर एंड बियर में क्या डिफरेंस होता है, एक का मतलब टू गिव बर्थ और एक का मतलब टू टॉलरेट। एग्जांपल से आप लोग समझ गए, एक का मतलब टू परसीव बाई आई और एक का मतलब होता है टू कट बाई टूथर यू नो ब्लेड। एक हैंग का मतलब टू सस्पेंड बाई नेक, रस्सी से डालने यू नो फांसी देने के सेंस में, और एक हैंग का मतलब क्या, टू सस्पेंड बाई पेग, खूंटी में कोई चीज टांग रहे हैं तो। और एक फॉल का मतलब क्या हुआ, टू डिसेंट फ्रीली, खुद से अगर कोई गिर गया तो फॉल यूज करोगे, लेकिन अगर कोई जानबूझकर गिरा दे तो उसके लिए फेल यूज किया जाएगा, ठीक है? सिंपल सा चीज, आप लोग एग्जांपल से समझ गए, ठीक है? नोट्स वगैरह आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना, आप उससे नोट्स भी बना सकते हो। ओके, तो कुछ और वर्ब्स है उसको डिस्कस करते हैं, एक नजर आप इसको देख लो। ओके गाइस, कुछ और वर्ब्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है? आपका नेक्स्ट वर्ब है बेसिकली फाइंड, ठीक है? ये सारे बच्चे को पता होता है फाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? फाइंड का सेकंड फॉर्म अगर बनाओगे तो बोल रहे हो फाइंड, फाउंड, फाउंड किसी चीज को ढूंढना, तो कम अक्रॉस के सेंस में। अब यहाँ पे देखोगे ये जो वर्ब का फाइंड का जो सेकंड फॉर्म यूज किया गया वो ऑलरेडी एक बेस फॉर्म है, ठीक है ना, फाउंड। और इसका अगर सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड, फाउंडेड, फाउंडेड। ये चीज आप लोग समझे, ठीक है? अभी इस फाउंड का मतलब क्या होता है, ये जो बेस फॉर्म फर्स्ट, ये जो सेकंड फॉर्म बेस फॉर्म के रूप में यूज हुआ, इस फाउंड का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, किसी चीज को स्थापना करना, ठीक है? कोई स्कूल का स्थापना, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कोई कंपनी का, किसी चीज की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, फाउंड का। और ये फाइंड तो ढूंढने के सेंस में सबको पता होता है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा गया द ऑर्गेनाइजेशन वॉज डैश इन 2010। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है? तो द ऑर्गेनाइजेशन वॉज, वॉज के बाद अगर लिखा जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है? अब थर्ड फॉर्म आपके पास दो ऑप्शन दिया गया, फाउंड एंड फाउंडेड, फाउंड एंड फाउंडेड। तो आप क्या फील करोगे, तो आप देखोगे फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, और इसका सेकंड फॉर्म देखा जाएगा तो क्या लिखोगे, फाइंड, फाउंड, फाउंडेड। तो क्या बोला गया, सॉरी, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड। तो क्या बोला गया, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 2010, ठीक है ना? नेक्स्ट आपके पास लिखा गया आई डैश माई लॉस्ट वॉच यस्टरडे, ठीक है? अब लॉस्ट वॉच, जो आपकी वॉच खो गई थी तो आप उसे ढूंढोगे ही, ठीक है? आपने बोल रहे हो मैंने वॉच ढूंढ लिया, तो क्या लिखा जाएगा, फाइंड का सेकंड फॉर्म, फाउंड। डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा ना, यहाँ पे ये जो फाउंड यूज किया गया इस फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है, ठीक है? और यहाँ पे जो फाउंडेड यूज किया गया इस फाउंड का सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म, ठीक है? उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई। तो फ्लाई का मतलब सबको पता होता है उड़ने के सेंस में, ठीक है? वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सबको पता है। लेकिन आप देखोगे फ्लो, तो फ्लाई बेसिकली अगर यूज किया जाए तो क्या, टू मूव इन एयर या सोर, हवा में कोई चीज उड़ रहा है तो वहां पे फ्लाई वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर वाटर में, ठीक है, वाटर बॉडी में अगर कोई चीज फ्लो करे, ठीक है ना, वाटर बॉडी में कोई चीज फ्लाई नहीं करता है, क्या करता, फ्लो, फ्लो, ठीक है? तो फ्लो का अगर सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। रेगुलर वर्ब ही काम करेगा, ठीक है? रेगुलर वर्ब के तरीके से फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, ठीक है? समझे आप लोग? एग्जांपल आपके पास लिखा गया मच वाटर हैज, मच वाटर हैज। अब हैज के बाद लिखना है तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखोगे। तो थर्ड फॉर्म की बात करें, एक हुआ हमारा फ्लोन और दूसरा हुआ फ्लोड, ठीक है ना? तो वाटर की बात करें तो वाटर का क्या है, फ्लो। तो फ्लो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लोड। तो मच वाटर हैज फ्लोड सो फार, यहां तक आप लोग समझ गए, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिए तो सबको पता है वर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है ना? ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा है विंड एंड उंड, ठीक है? तो इस विंड का अगर सेकंड फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, विंड, उंड, उंड। ऐसे तो विंड का मतलब हवा भी होता है, सबको पता है, नाउन के तौर पे अगर यूज हो तो विंड का मतलब एयर होता है। और इस उंड का मतलब बात करें तो उंड अगर नाउन के तौर पे यूज हो तो इंजुरी को हम लोग बोलते हैं, घाव वगैरह हो जाता है उसको इंग्लिश में उंड बोला जाएगा, ठीक है? और उंड का मतलब होता है किसी को इंजर्ड करना, ठीक है? अब जैसे आप बाइक से जा रहे कहीं पे गिर गए, या कहीं से भी गिर गए, आपको चोट लगी तो आप क्या हो गए, उंडेड हो गए, आप इंजर्ड हो गए, ठीक है ना? तो इसका सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या लिखोगे, उंड,
wounded, wounded, ये भी regular verb हो जाएगा, ठीक है। तो आप observation से इस चीज समझ रहे हो कि जो अगर किसी verb का second form है वो अगर वो base form के तौर पे use होता है, जैसे ये wind का second form wound था और wound अगर basically base form के तौर पे use हुआ, तो आगे इसका जो second form, third form बनेगा वो regular verb को follow करेगा, ठीक है ना। तो to wind का मतलब क्या हुआ, to endure, और wind का मतलब ऊपर वाला जो wind है उसका मतलब क्या, to move, as जैसे हवा में कोई चीज उड़ रही है तो उसके लिए आप यूज करोगे। जैसे लिखा है ही वाज डैश स्टर्डे, ठीक है। अब ही वाज डैश स्टर्डे, कोई पर्सन की बात कीजिएगा तो पर्सन गिर कर क्या होगा, इंजर्ड ही होगा, ठीक है। तो इंजर्ड के सेंस में हम लोग कौन सा वर्ड, वुड का यूज करेंगे। और वाज के बाद अगर लिखना हो तो वाज के बाद आप आपका कौन सा फॉर्म लिखोगे, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, वुंड, वुंडेड, वुंडेड, ठीक है, समझ गए, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। तो वुंडेड यहां पे फील करोगे, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है प्लास्टिक्स आर डैश इन द स्काई, ठीक है। आप देखो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की बात करें तो ये विंड का यूज किया जाएगा, तो विंड का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, विंडिंग, समझे ना। प्रोनंसिएशन में डिफरेंस होता है, जब उसको नाउन में ले जाओगे तो आप वाइंड बोलते हो ना कि विंड बोलते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वर्ब के तौर पे यूज होता है तो इसको विंड बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया है ग्रिंड एंड ग्राउंड। तो ग्रिंड वर्ड की बात करें तो ग्रिंड आपके घर में ग्रिंडर होता है, ठीक है, मिक्सचर मशीन, उसी इसी वर्ब से बना है। तो ग्रिंड का मतलब क्या होता है, आपका जो घर में ग्रिंडर है वो क्या करता है, ग्राइंडर बेसिकली, तो वो क्या करता है, पीसता है चीजों को, आप उसमें कोई भी चीज डालते हैं तो वो छोटा हो जाता है, पाउडर बन जाता है या बारीक हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका डिफिनेशन तैयार करते हैं, वो टू रिड्यूस समथिंग इन पाउडर या स्मॉल पीसेज, पीसना किसी चीज को, छोटा कर देना, ग्रिंड करना, ठीक है। अगर इसका सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ये चीज आप लोग समझे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन अगर ग्राउंड देख रहे हो, फिर से ये जो ग्राउंड है ना, इस भाव का सेकंड फॉर्म जो ग्राउंड है वो ऑलरेडी एक बेस फॉर्म है ग्राउंड, और इसका अगर सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। इसका मतलब क्या हो गया, किसी को जमीन पर ला देना, ठीक है, समझ रहे हो आप। जैसे कोई भी बंदा किसी को पकड़कर जमीन पे पटक दे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ग्राउंड कर दिया, जमीन पर किसी को लाना, क्लियर। टू ब्रिंग टू ग्राउंड, ऐसे तो ग्राउंड का मतलब जमीन ही जानते हो, लेकिन वर्ब के तौर पे यूज हो जाए तो किसी को जमीन पर लाने के सेंस में यूज होगा, ठीक है। जैसे लिखा गया ही डैश द गार्लिक, अब गार्लिक बेसिकली आप मिक्सर में डालोगे तो उसको क्या करोगे, पीसोगे ही, ठीक है। तो ग्रिंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ग्रिंड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। तो ही ग्राउंड द गार्लिक, ना कि ग्राउंडेड द गार्लिक, समझे ना। नेक्स्ट आपके पास लिखा गया ही डैश द थीप स्टर्डे, अब बेसिकली एक थीप दौड़ते हुए भाग रहा था, आपने उसे पकड़कर जमीन पे पटका, ठीक है। तो जमीन पर उसे लाया गया तो क्या किया गया, ग्राउंड किया गया, तो ग्राउंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड, ठीक है। आप फिर खुद बोल रहे हो, क्या लिखोगे, ग्राउंडेड, ही ग्राउंडेड द थीप स्टर्डे, ओके। इतना सारा वर्ड समझ में आया आपको, क्लियर। एक बार देखोगे तो फाइंड का कंफ्यूज नहीं होना है, फाइंड तो सबको पता हो रहा है। फाउंड की बात करें तो फाउंड का मतलब स्थापना करना, सेकंड फॉर्म फाउंडेड, फाउंडेड हो गया। सेम उसी तरीके से फ्लाई और फ्लू में कंफ्यूज नहीं होना होता है, ठीक है। और एक हुआ विंड एंड उंड, और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिंड एंड ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड का मतलब क्या, किसी को जमीन पर, ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड, एंड ग्रिंड ग्राउंड ग्राउंड, ठीक है। देख रहे हो, यही बस ऑब्जर्वेशन से यही पता चल रहा है कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो रहा है अगर वो बेस फॉर्म में यूज होता तो वो क्या मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या होता है, एक रेगुलर वर्ब होता है, ठीक है, समझ गए। और रेगुलर वर्ब का प्रॉपर्टीज आपको पता है कि उसमें ईडी ईडी ऐड कर दो या डीडी ऐड कर दो तो उसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनता चला जाता है, ठीक है, ओके। तो एक नजर आप देखोगे, कुछ वर्ड्स और बचा हुआ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके गाइस। कुछ और वर्ब्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, दो तीन वर्ड बचा हुआ है उसको देखोगे। जैसे फर्स्ट वर्ड आपके लिखा हुआ है राइज, सेकंड लिखा हुआ है रेज, और एक लिखा हुआ है रेज, ठीक है। तो तीनों लगभग देखने में एक ही जैसा लगता है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज में, क्लियर। तो आप पहले राइज का मीनिंग जानोगे, तो राइज तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो राइज का मतलब क्या होता है, उगने के सेंस में, या राइज का मतलब क्या होता, कोई चीज अगर इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, असेंड कर रहा है, उस सेंस में भी प्रोग्रेस अगर किसी चीज में आ रहा है तो वो भी राइज है। किसी चीज का प्राइस राइज करता है, समझ रहे हो। तो राइज का मतलब कहीं ना कहीं बढ़ने से सेंस है, सूरज भी तो नीचे से ऊपर आता है उस टाइम, ऐसा देखने में लगता है, तो वो भी राइज। तो राइज का सेकेंड फॉर्म अगर करें तो राइज का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइज, रोज, राइजिंग, ये तो सबको पता होता है, ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हो गया, समझे। लेकिन एक हमारा वर्ड हुआ रेज, तो राइज का मतलब तो खुद से कोई चीज बढ़ रहा है बेसिकली, तब हम यूज करेंगे। और रेज की बात करें तो
तो अगर कोई जानबूझ कर कर रहे हैं उस चीज का, जैसे प्राइस बढ़ा, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ाया, एक प्राइस हुआ कि खुद से इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ यू नो कुछ भी चेंज होने से, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट प्राइस किसी चीज का जानबूझ कर बढ़ा दे, ठीक है, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस प्राइस बढ़ाना पड़ा या कोई चीज जानबूझ कर ऐसा किया गया, तब आप क्या करोगे, रेज। जैसे आप क्लास में क्वेश्चन क्या करते हो, टीचर के सामने क्वेश्चन रेज ही तो करते हो, प्रश्न उठाना, क्वेश्चन उठाना, ठीक है, टू रेज अ क्वेश्चन, टू रेज, क्लियर। तो रेज का अगर सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा तो ये रेगुलर फॉर्म हुआ, रेज, रेज्ड, रेज्ड, समझे। और एक हमारा रेज हुआ आर ए जेड ई, इसी से हमारा वर्ड बना है रेजर, जो हम लोग सेविंग करने में यूज करते हैं रेजर, इसी से बना है रेज से, ठीक है ना, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये भी रेगुलर फॉर्म हुआ, और इसी का नाउन बनाओगे तो बन जाएगा रेजर, समझ में आ गया, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा गया है, ही डैश फ्रॉम द चेयर, ही डैश फ्रॉम, अब जो कोई चेयर पे बंदा बैठा हुआ है, अब वो उठ गया, तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, राइज, खुद से ही तो उठा वो, तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या यूज करोगे, रोज, तो ही रोज फ्रॉम द चेयर, समझे। फिर आपके पास लिखा गया ही डैश हिज चिल्ड्रेन, ठीक है, ही डैश हिज चिल्ड्रेन, अब जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स बेसिकली अपने बच्चों को क्या ग्रो ही तो करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है, उसको उसके ग्रोथ करवाते हैं बेसिकली, या अगर कोई ऑर्फन है तो वहां रहने वाली जो मेड होती है, ठीक है, वो भी तो बच्चों का ग्रोथ करवाती है, तो उस सेंस में आप क्या यूज करोगे, रेज, तो रेज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड, क्योंकि एक रेगुलर वर्ब हुआ, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ही रेज्ड हिज चिल्ड्रन, यहां तक समझे। नेक्स्ट आपके पास लिखा है रवि डैश मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है, तो रवि ने क्या कि प्रश्न, कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, रेज, तो रेज का सेकंड फॉर्म फिर से रेज्ड, तो लिखोगे रवि रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है ना। बस यूसेज का डिफरेंस आपको समझना है कि कहाँ पे यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही यू नो जब साउंड सेम आता है तो वो कंफ्यूजन होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिखा गया लाई, लाई ले, तीन तीन वर्ड देख रहे हो, दो दो तो बिल्कुल सेम लग रहा है देखने में आपको, लाई एल आई ई लाई, और एक वर्ड फिर से लाई लिखा हुआ है, और एक वर्ड लिखा हुआ है ले, ठीक है। अब देखो ये लाई तो आप एक जानते हो, लाई का मतलब झूठ बोलना, ठीक है, टू मेक अनट्रू अ स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे बोलते हैं डोंट टेल अ लाई, तो उस लाई का मतलब क्या हुआ, झूठ, है ना। तो लाई का अगर सेकंड फॉर्म बनाओगे तो ये रेगुलर वर्ब के तरीके से काम करेगा, लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, ठीक है ना। और एक ये जो लाई होगा, ये एल आई दूसरा लाई है, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, ठीक है, जैसे बोलने का मतलब क्या होता है कि आप बेड पर जाकर लेट गए खुद से, तो आप क्या हुए, लाई, एल आई लाई, लाई का मतलब क्या हो जाता है, लेटना, ठीक है। या बेसिकली आप बुक ले गए और टेबल पर रख दिए, तो वो भी लाई है, उसको भी तो आप हॉरिजॉन्टली ही ना रखे, हॉरिजॉन्टल पोजिशन में कोई भी चीज रख दोगे तो कौन सा वर्ड यूज करेगा, लाई। और इसका सेकेंड फॉर्म होता है लाई ले लेन, आप देखो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इस लाई के सेकंड फॉर्म की बात करें तो इस लाई का सेकंड फॉर्म हो गया हमारा ले, एल ए वाई ले। और यहां से देखोगे कि ये जो ले है वो ऑलरेडी एक बेस फॉर्म है, ठीक है, ये जो लाई का सेकंड फॉर्म ले यूज किया गया वो ऑलरेडी एक बेस फॉर्म है, ठीक है। आप बेस फॉर्म है बेसिकली, तो आप जानते हो कि एक रेगुलर वर्ब की प्रॉपर्टीज को काम करेगा, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, लाई लेड एंड लेड, इसका सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है ना, ले लेड लेड, तीनों में कंफ्यूजन, ठीक है। एक आपको फर्स्ट मीनिंग में क्या समझ में आया, झूठ बोलना, टू मेक अनट्रू अ स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाएगा लाई, इसका सेकंड फॉर्म हुआ लाइड एंड लाइड, ये चीज समझे। दूसरा हो गया लाई, लाई का मतलब टू मेक अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बेसिकली आप है ना हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज को रख दोगे तो कौन सा वर्ड, यही लाई यूज किया जाएगा, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म होगा ले एंड लेन, क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारे पास वर्ड है ले, तो ले का बेसिकली आप किसी चीज को यू नो ऐसे तो एक हेन के सेंस में यूज करते हैं, ले एग्स, अंडे देने के सेंस में, ठीक है, या आप बच्चे को बेड पर लिटा रहे हो, ठीक है, इस सिचुएशन में भी वर्ड यूज किया जा सकता है ले, और ले का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेड एंड लेड, क्लियर, समझ रहे हो ना, ओके। अब आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी डैश टू हर फ्रेंड, सी डैश टू हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से झूठ बोला। अब झूठ बोलने के लिए बेसिकली इस लाई का सेकंड फॉर्म यूज करोगे, तो लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लाइड, तो क्या लिखा जाएगा, सी लाइड टू हर फ्रेंड, ठीक है ना, ओके। फिर लिखा हुआ ही डैश द बैग्स ऑन द टेबल, अब अच्छा बैग को आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेबल पे रख दोगे, हॉरिजॉन्टली पोजीशन में ही तो रखोगे ना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, लाई, लेकिन हमें बनाना है सेकंड फॉर्म, तो इस लाई का सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, ले, क्या लिखा जाएगा, ले, एल ए वाई ले, तो ही ले द बैग्स,
ऑन द टेबल, उसने बैग को कहाँ पे रखा, टेबल पे रखा। क्लियर? तो आपको मीनिंग समझ में आया कि किस सेंस में सारा वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये 10-12 वर्ड होता है वर्ब में जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप लिखने का मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो किसी के जगह पे क्या लिख दोगे। ओके, थोड़ा थोड़ा सा का माइनर डिफरेंस है। देख रहे हो, जो सेकंड फॉर्म है वो ऑलरेडी बेस फॉर्म होता है, और जो बेस फॉर्म होता है उसका फिर रेगुलर वर्ब बनता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। ओके, तो आई होप आप लोग कंफ्यूजिंग वर्ब बेसिक चैप्टर जो 10-12 वर्ड था वर्ब था वो हमको समझ में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू।